subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 8th class English 1.4 Miss Slippery English workshops and activities. सवालात के जवाब होता सरगर्मी के साथ आप तमाम का इस्तकबाल है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. लेट्स बिगिन इंग्लिश वर्कशॉप. राइट व्हाट एक्सप्रेशंस डज अ पर्सन यूज़ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. ये दिए गए सिचुएशंस में एक आदमी कौन से काम कर सकता है या उसके क्या एक्सप्रेशंस रहते हैं. व्हेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राइट, यानी कोई अचानक खौफ में आ जाए, फ्राइटेंड हो जाए तो क्या करेगा. मेक्स हिज ब्लड रन कोल्ड, ऐसा लगता है कि उसका खून जम गया हो. ही बी या जी बी, यानी वो हाय हाय करने लगेगा या कांपने लगेगा. व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी नर्वस, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है तो क्या करता है. बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बंडल ऑफ नर्व्स, वो क्या करता है जब नर्वस हो जाए तो वो ऐसा लगता है कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या फिर वो नर्वस में आकर अपने उसका इजहार कर देता है, अपनी नाउम्मीदी का इजहार कर देता है. तीसरा है व्हेन अ पर्सन इज़ टेंस्ड, जब कोई आदमी तनाव में होता है, टेंस होता है तो वो क्या करता है. अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा दबाव में हो जाता है. स्ट्रेस्ड आउट, या बहुत ज़्यादा उसे उसके ऊपर तनाव वो निकालने की कोशिश करता है. व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, जब कोई इंसान बहुत खुश होता है तो वो क्या करता है. ऑन क्लाउड नाइन, यानी वो आसमानों में होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. ऑसम हैप्पी एज ए काम, यानी बहुत ही ज़्यादा खामोश और साकित और खुश होता है. व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट विल नॉट लेट यू डाउन, अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा तो आपको नाउम्मीद नहीं करेगा. व्हाई नॉट मी, वो कहेगा कि क्यों मैं ऐसा ना करूँ. आई एम डैम श्योर, मैं ऐसा कर सकता हूँ. व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी एंग्री, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा तो वो क्या करेगा. नो हार्ड फीलिंग्स, पिस्ड ऑफ टू बाइट समवंस हेड, उसके दिल में किसी किस्म के जज्बात नहीं रहते, या फिर वो किसी का सर खाता है या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाता है. व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी सैड, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गम में होगा, सैड रहेगा. लंप इन द थ्रोट, फीलिंग ब्लू टू द हैव द ब्लूज ऑन पिंस एंड नीडल्स, यानी वो चुपचाप रहेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा, बहुत ही एहसासों में गुम रहेगा, और वो किसी से कुछ कहना उसके लिए नीडलेस रहेगा और बेकार समझेगा. सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, इसका पहला है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी का. नेम द फॉलोइंग मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है. सायली, सायलीज फेवरेट सब्जेक्ट, सायली का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री. सब्जेक्ट डेट सायलीज क्लास टीचर टॉट, यानी सायली के क्लास टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो कौन सा है, इंग्लिश. द नोटबुक डैट सायली हैड टेकन आउट बाय मिस्टेक, यानी सायली ने जो नोटबुक निकाली थी मिस्टेक से वो कौन सी थी, मैथमेटिक्स की. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है. ये सायली इस पोएम के जब उसके टीचर ने उसे बुलाया तो वो क्या प्रिपेयर थी. सायली वॉज वेल प्रिपेयर्ड विद द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. वेन द टीचर बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ देम सायली वेंट टोटली ब्लैंक, यानी सायली अचानक सब कुछ भूल गई थी जब टीचर ने उससे पूछा था. व्हाई कुड द नोटबुक हैव फॉलन फ्रॉम सायलीज हैंड, सायली के हाथ से नोटबुक क्यों गिर गई थी. व्हेन द टीचर कॉल्ड सायली शी ओबेड हर, बट द हर एंग्री लुक मेड हर लेग्स ट्रेम्बल, सो द नोटबुक मे हैव फॉलन फ्रॉम सायलीज हैंड, यानी सायली क्या हो गई थी, डर गई थी जब टीचर उसे गुस्से से देख रही थी तो उसके पैर कांपने लगे और उसके हाथ से नोटबुक गिर गई. पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, शुड टीचर पनिश गर्ल्स इन द क्लास, व्हाई. टीचर को लड़कियों को क्लास में पनिश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. टीचर शुड नॉट पनिश गर्ल्स इन द क्लास, इट इज़ इंसल्टिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास. समटाइम्स इट इज़ डिसकरेजिंग इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग टू द गर्ल स्टूडेंट्स, एंड नाउ फिजिकल पनिशमेंट इज़ बैंड, ऑल्सो इट इज़ अगेंस्ट लॉ. टीचर को लड़कियों को पनिश नहीं करना चाहिए कि क्लास में दूसरों के सामने पनिश करना ये एक इंसल्टिंग फिगर है, और उससे क्या होता है अक्सर गर्ल्स जो है डिस्करेज हो जाते हैं. उसके बजाय क्या करना है, इंस्टीड इंस्पायर करना है गर्ल्स स्टूडेंट को पढ़ने के लिए. और फिजिकल पनिशमेंट वैसे भी बैन हो चुका है और ये कानून के भी ख़िलाफ़ है.
simple factual activities. Answer the following. By what name did the girls tease Sayali? Sayali को कौन से नाम से लड़कियाँ tease करती थी, बुलाती थी? The girls teased Sayali by the new name Slippery. Whom did Sayali hug tightly? Sayali ने किसे सख्ती से गले लगा लिया? Sayali hugged her younger brother tightly. यानी उसने अपने छोटे भाई को सख्ती से गले लगा लिया था. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है. हाउ साइलीज न्यू फ्रॉक टोर. साइली का नया जो फ्रॉक था वो कैसे फट गया था. एंड व्हेन साइली फेल एंड केम टम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स फ्रॉम द स्कूल स्टेयर्स. इसका आंसर क्या है? जब साइली गिर गई थी और 7 सीढ़ियों से फिसलती हुई स्कूल की सीढ़ियों से नीचे आ गई थी तो उसका फ्रॉक फट गया था. व्हाई साइली वॉज कॉल्ड स्लीपरी. साइली को स्लीपरी क्यों कहते हैं? फिसलनी यानी फिसलने वाली. इसका बिकॉज अदर्स स्लिप ऑन वेट ग्राउंड बट साइली मैनेजेस टू स्लिप इवन ऑन ड्राई लैंड. यानी जब ज़मीन गीली होती थी तो लोग फिसलते थे लेकिन साइली तो ऐसी फिसलने वाली थी जो खुश्क ज़मीन यानी सूखी ज़मीन पर भी फिसल जाती थी. व्हाट डिड साइली लॉन्ग फॉर फ्रॉम हर मदर. यानी साइली अपनी माँ से क्या चाहती थी? साइली लॉन्ग्ड फॉर अ सिंपैथिक पैट फ्रॉम हर मदर एंड शी आल्सो थॉट हर मदर वुड कंसोल हर एंड आस्क अबाउट हर पेन्स एंड सफरिंग. इट वुड हैव सूथेड हर स्मार्टिंग लिम्स. साइली अपनी माँ से थोड़ी सी सिंपैथी चाहती थी और वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे कंसोल करे और उसके पेन्स दर्द और सफरिंग को दूर करे और उसके जो ज़ख्म है उसके ऊपर जो पैरों को मार लगा था उस पर मरहम लगाए. व्हाई डिड साइली बिगैन क्राइंग अगेन. साइली ने दोबारा से रोना क्यों शुरू कर दिया? व्हेन साइलीज मदर वॉकड अवे टू द किचन हर यंगर ब्रदर केम देयर एंड सैट बिसाइड हर. ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन हर आर्म एंड आस्क्ड हर इफ शी वॉज इन ग्रेट पेन लविंगली एंड अफेक्शनेटली. साइली की माँ ने उसे डांटा और वो किचन में वापस चली गई और उसका जो छोटा भाई था वो वहाँ पर आया. उसने आकर उसके बाजू बैठ गया और अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ पर रखा और पूछा, दीदी आपको बहुत दर्द हो रहा है? और इतने प्यार भरे और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा कि साइली दोबारा रोने लगी. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिड द टीचर गिव साइली. टीचर ने साइली को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी? द टीचर गेव साइली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्रिंगिंग रजिस्टर चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग फ्रॉम द टीचर्स रूम एंड कीप इट इन द क्लास रूम. शी ऑल्सो टोल्ड हर टू कीप नोटबुक्स इन हर लॉकर. यानी टीचर ने साइली को जिम्मेदारी दी थी कि वो रजिस्टर चॉक और डस्टर हर सुबह टीचर के रूम से लेकर आए और क्लास रूम में ला कर रखे और उसको ये भी कहा कि वो नोटबुक जो है लॉकर में ले जाकर रखे. What great change had come over in Sayali's heart. Sayali के दिल में कौन सा बड़ी तब्दीली आई? इसका आंसर है, Sayali's trembling legs were now filled with some miraculous strength. Sayali के जो थर थर कांपने वाले पैर थे वो एक जादुई ताकत से भर गए थे. She thrilled from top to toe. और वो ऊपर से नीचे तक भर गई थी, ताकत से भर गई थी. She felt her heart inflate with pride. और उसने महसूस किया कि उसका दिल खुशी और फख्र से भर गया है. देर वॉज नो अकवर्डनेस इन हर बिहेवियर. और उसके बर्ताव में किसी किस्म की बेरबती नहीं थी. शी वॉज फियरलेस वाइल गोइंग बैक होम. और वो बेखौफ हो जाती थी जब वापस घर जाती. साइली वॉज टोटली चेंज बिकॉज ऑफ हर टीचर. और साइली अपने टीचर की वजह से मुकम्मल तौर पर बदल गई थी. पर्सनल रिस्पॉन्स है, व्हाट विल यू डू इफ़ समवन टीजेस यू विदाउट एनी रीज़न. आप क्या करेंगे अगर कोई आपको बगैर वजह के टीज करेगा, तकलीफ देगा? इफ़ समवन टीजेस मी विदाउट एनी रीज़न आई विल सिंपली आस्क हिम द रीज़न. इफ़ ही शी डजेंट स्टॉप टीजिंग आई विल कंप्लेन आइदर टू हिज हर पेरेंट्स और टू आर क्लास टीचर बट आई विल कीप कूल माई सेल्फ. यानी कोई हमें अगर टीचर कोई हमें टीज करेगा, परेशान करेगा तो हम क्या करेंगे? बिला वजह परेशान करेगा तो पहले तो उसे बोलेंगे कि वो ऐसा ना करे वरना हम कंप्लेंट कर देंगे उसके पेरेंट्स से या अपने टीचर से. लेकिन अपने आप को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे.